आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्म क्रश 4 के बारे में। ऋतिक रोशन की फिल्म क्रश का अलग ही क्रेज रहा है। क्रश का पहला पार्ट आया था तभी से देश का हर बच्चा क्रश बन गया। जैसे कि भारत को अपना पहला सुपर हीरो मिल गया हो, बच्चों के साथ साथ बड़े भी उतने ही एक्साइटेड हुए। क्रश 4 के आने के बाद इसकी फ्रेंचाइजी में भी मेकर्स ने देरी नहीं की और देखते ही देखते क्रश के 3 पार्ट्स आ गए। तीनों ही फिल्मों में ऋतिक रोशन थे और तीनों ही बहुत बड़ी हिट साबित। ऋतिक के पिता क्रश के फिल्म मेकर राकेश रोशन ने इसके चौथे पार्ट को लेकर बड़ी घोषणा की जो शायद फैंस का दिन बना देगी। राकेश रोशन ने हाल ही में बेटे ऋतिक रोशन की आने वाली फिल्म क्रश 4 के बारे में कुछ खास अपडेट्स दिए हैं। फिल्म की स्क्रिप्टिंग तब से चल रही है जब साल 2020 में अफवाहें उड़ी थीं कि चौथे पार्ट को लेकर तैयार है मेकर्स। एक न्यूज पोर्टल को दिए गए इंटरव्यू में डायरेक्टर ने साफ किया कि अगले साल के अंत से पहले शुरू नहीं होगी शूटिंग। उन्होंने कहा कि वे स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं और उसके बाद ही प्रोडक्शन पर काम शुरू होगा। आगे बताते हुए सीनियर रोशन ने कहा कि वो फिल्म बनाते हुए समय अपना समय लेना पसंद करते हैं और क्रश 4 पूरा करने की जल्दी में नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले के पार्ट्स में भी कई साल का अंतर था। उनके अनुसार इस तरह की अवधारणा को शायद ही कभी अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में पहले कभी आजमाया गया होगा। भारत में तो दूर दूर की बात है, उन्होंने इससे पहले इस तरह की कहानी की कोशिश नहीं की है जहाँ उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है और इसीलिए इसमें समय लग रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म में एक भावनात्मक कोर पिता पुत्र ट्रैक भी है। इसके अलावा आयान मुखर्जी की वॉर 2 का भी हिस्सा है वो, जिसमें कथित तौर पर जूनियर NTR भी लीड रोल में है। तो ऋतिक की कई अपकमिंग फिल्में हैं, लाइन से फिल्में लगी हुई हैं। 2025 में वॉर 2 है तो शायद 2026 या 7 तक हमें क्रश 4 देखने के लिए मिल सकती है, ऐसी हम सिर्फ उम्मीदें कर रहे हैं। इसको लेकर मेकर्स ने अभी कुछ भी अपनी ओर से स्टेटमेंट नहीं दिया है। उनका कहना यह था कि वो 2024 के एंड तक शूटिंग शुरू करने की ही सोचेंगे। खैर दोस्तों, क्रश 4 को लेकर आपकी क्या कहना है, आपका क्या कहना है, अपनी राय कॉमेंट में जरूर बताएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।